कभी मिस्से आटे के आपने पराठे खाए हैं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी? सो हे गाइस, मसाला स्टोरीज बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ ऐसे ही पराठे की रेसिपी। सबसे पहले तो ये आटा कैसे बनाना है। आप 1 किलो गेहूं के सामने 100 ग्राम जितना काला चने को लीजिए और उसे पिसवा लीजिए, यानी आपका मिस्सा आटा रेडी। हम जो बेसन डाल के बनाते हैं ना, उसमें ये फ्लेवर नहीं आएंगे। ये आटा आपको हल्का सा ज़्यादा डार्क ब्राउन लगेगा क्योंकि हम इसमें काला चना डालेंगे। और फिर बस इसमें आप नमक डाल लीजिए और पानी डाल के अच्छे से गूंथ लीजिएगा। जो कि हम पराठे बना रहे हैं तो ये आटा आपको पराठे बनाने में लगाना है। याद रखिएगा, इस आटे में पानी दूसरे आटे से थोड़ा सा कम डलता है, ये जल्दी घुल जाता है, इसलिए पानी एकदम कंट्रोल प्रोपोर्शन में डालिएगा धीरे धीरे। इसे रेस्टिंग टाइम ज़रूर दीजिएगा। फिर एक इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। बहुत पतला पराठा नहीं बनाना है, इसलिए आप थोड़ा मीडियम साइज़ का पेड़ा लीजिएगा। फिर इसे एक छोटी सी रोटी बनाइएगा। इसमें मैं आपको आज दो तरीके से पराठे बनाना सिखा रही हूँ। पहला कि हमारे अचार के मसाले का, जो भी अचार है उसका मसाला ले लीजिए। तेल थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो फटने के चांसेस होते हैं, और इस तरीके से मसाला लगा दीजिएगा और इसे फोल्ड कर दीजिएगा। एक जो हम फोल्ड करते हैं ना, उसमें भी हल्का सा मसाला लगाइए ताकि इसकी हर लेयर में आपको टेस्ट आए। और इसे चारों तरफ से इस तरीके से सील कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत ऑयल तो निकलेगा, बट आपका पराठा बिल ज़रूर जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बस फिर थोड़ा सा पलौथन लेके आपको इसको धीरे और हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए, आपका पराठा एकदम बढ़िया सा बिल जाएगा। इस पराठे को आप चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा, ब्रेकफास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। और बस इसे सेक लेना है। सेकने के लिए आप घी और तेल, बटर, जो भी आपको पसंद है, आप उससे इसको सेक सकते हैं। पलट पलट के सेकिएगा। और हाँ, अगेन मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। अगर आप फुल फ्लेम कर देंगे ना तो ये कच्चा भी रहेगा और ऊपर से जला जला सा बनेगा, मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। पराठे हमेशा कुरकुरे होने चाहिए और ब्राउन कलर में होने चाहिए, ब्लैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक साइड को आपको तवे पे पड़े नहीं रहने देना है। ये पराठे थोड़े से मोटे बन रहे हैं, इसलिए आपको आपकी गैस की फ्लेम का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, पराठा तैयार है। घी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। अब मैं आपको प्लेन पराठा सेम है, आपको कुछ नहीं करना है। बस उसके बीच में हल्का सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से क्या होगा ना, इसके जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगे, नहीं तो ये चिपका चिपका सा और टेस्टी भी नहीं लगेगा और बीच में से सॉफ्ट भी नहीं लगेगा। फिर इसे आप मस्त तेल लगा के सेकिए। वो वाला पराठा मैंने घी में सेका था, ये वाला मैं तेल में सेक रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप दोनों तरीके से सेकिए। इसके फाइनल रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा। और ये मिस्सा आटा है ना, इसलिए ये बहुत क्रंची बनता है। घी लगाइए। और यहाँ पे मैंने इस पराठे को आमरस के साथ सर्व किया है। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।